नारी पुरुष की स्त्री पुरुष नारी का पूत या ही ज्ञान विचारी के छाण चला अवधूत जो अवधूत है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसने जो रिलेशनशिप्स हैं उसके मायने समझ लिए हैं कि जो स्त्री है वो प्रॉपर्टी है पुरुष की, और जो पुरुष है वो बच्चा है स्त्री का। सो ये ज्ञान विचारने के बाद वो सब छोड़ छाड़ के वो अवधूत चल दिया है। अच्छा है, बात गहरे जाती है। नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पूत, या ही ज्ञान विचारी के छाण चला अवधूत। नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पूत, या ही ज्ञान विचारी के छाण चला अवधूत। अवधूत शब्द ही गहरा है। अवधूत जिसके मन से धूल धुआं पूरी तरह साफ हो गया वो अवधूत। क्या दिखता है अवधूत को अपने साफ मन से? जगत जो हमारी इंद्रियों से प्रतीत होता है वो मात्र पदार्थ है। कुछ भी ऐसा नहीं जगत में जिसे आँखों से देखा ना जा सकता हो, या हाथों से छुआ ना जा सकता हो, कानों से सुना ना जा सकता हो, या कम से कम जिसका विचार ना किया जा सकता हो। यदि कुछ है, यदि कुछ ऐसा है जिसको आप अस्तित्वमान मानते हैं, तो निश्चित रूप से या तो दृश्य होगा, या ध्वनि होगी, या स्पर्श किया जा सकेगा, या विचार का विषय होगा। अन्यथा वो है ही नहीं, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जगत पदार्थ है, जगत पदार्थ है। जगत में जो कुछ भी है सब पदार्थ है। बात को गहरे घुस जाने दीजिए। जगत में जो है सब पदार्थ है, जिसे हम मनुष्य देह कहते हैं पदार्थ है। और जगत का हर रिश्ता देह का ही रिश्ता है, पदार्थ का ही रिश्ता है।
देह का हर रिश्ता जगत का रिश्ता है, एकमात्र रिश्ता जो जगत में है वो पुरुष और स्त्री का है, वो देह के तल पर है। कैसा है वो देह का रिश्ता? वो देह का रिश्ता ऐसा है जिसमें चूंकि पदार्थ पदार्थ से मिल रहा है इसीलिए चेतना की कोई गुंजाइश नहीं है। जगत याद रखिए अपने आप में चैतन्य नहीं है, इसीलिए जो मूल रिश्ता है जगत का वो भी अपने आप में चैतन्य नहीं है। और आप देखिएगा बाकी जितने रिश्ते होते हैं उन सब के मूल में तो स्त्री पुरुष का ही रिश्ता है, सबसे पहले वही आता है, बाकी सब उसकी शाखाओं और पत्तियों की तरह फिर बाद में आते हैं। पदार्थ से पदार्थ का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसा लोहे और चुंबक का रिश्ता, कि आकर्षण तो है पर न लोहे को पता है कि वो क्यों खींच रहा है, न चुंबक को पता है कि वो क्यों खिंचा चला आ रहा है। जैसा दो रसायनों का रिश्ता जो जब आपस में मिलते हैं तो उनमें आपस में प्रतिक्रिया होती है, उनके अणु परमाणु संयुक्त हो जाते हैं, पदार्थ से पदार्थ मिलता है और एक नया पदार्थ ही पैदा हो जाता है। पर जो दो रसायन मिल रहे हैं दोनों रसायनों में से कोई नहीं जानता कि ये घटना क्या घट रही है, हो बहुत कुछ जाता है। मूलतः स्त्री और पुरुष का रिश्ता ऐसा ही है, दो पदार्थ आपस में रिएक्ट क्रिया इसीलिए करते हैं क्योंकि दोनों में कुछ मूल अपूर्णता होती है। अपूर्णता ना हो तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। पुरुष की अपूर्णता है कि उसके अहंकार को जीतना है, स्त्री की अपूर्णता है कि उसके अहंकार को कब्जा करके बैठना है। पुरुष का अहंकार उस राजा की तरह है जो कभी अपनी राजधानी में पाया नहीं जाता क्योंकि उसे और जीतना है, वो हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है। वो सोचता है कि कुछ है जो बहुत दूर है और अपनी सीमाओं को और बढ़ा करके मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। पुरुष को इसीलिए और चाहिए। पुरुष का मन एक स्त्री से अक्सर भरेगा नहीं, उसको अपनी परिधि बढ़ानी है,
उसको लग रहा है कि जो परम है वो कहीं दूर बैठा हुआ है और उस तक पहुंचना है। स्त्री का अहंकार सूक्ष्मतर है, एक कदम आगे है वो पुरुष से, उसे और नहीं चाहिए। इतना तो वो समझ गई है कि भाग भाग के कुछ नहीं होगा, सीमा बढ़ा के कुछ नहीं होगा, मिल यहीं जाएगा। लेकिन इतना समझने के बावजूद डरती है कि जो यहां मिला हुआ है वो कभी भी छिन सकता है, तो वो कब्जा करके बैठना चाहती है। पुरुष का डर है कि पाऊंगा नहीं, स्त्री का डर है कि छिन जाएगा। पुरुष की अपूर्णता ज्यादा गहरी है। पुरुष कहता है अभी तो मिला ही नहीं है, भागो, दौड़ो, इकट्ठा करो, पाओ। स्त्री कहती है मिल तो गया है पर कभी भी छिन सकता है। तो जोर से पकड़ के रखो, कहीं छिन न जाए। कहीं छिन न जाए। उसे और की तलाश नहीं है, उसे मिल गया, पर डर उसका गहरा है। इसी कारण पुरुष का अहंकार आक्रमण के रूप में सामने आता है, पुरुष आक्रामक होता है, और स्त्री का अहंकार ईर्ष्या के रूप में सामने आता है, स्त्री ईर्ष्यालु होती है। पुरुष के लिए पूरी प्रकृति स्त्री है, कुछ ऐसा जिसे उसे जीत लेना है। नारी पुरुष की स्त्री, यही रिश्ता है उसका पूरे अस्तित्व से, इससे जीत लूं किसी तरीके से। गहरी नासमझी का रिश्ता, जिसमें कोई बोध नहीं, कोई चैतन्य नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ रसायन कुल बुला रहे हैं, तुम आंख खोलते हो, तुम चारों तरफ देखते हो और एक ही विचार तुम्हारे पुरुष मन में आता है, फतह, इसको जीत लो किसी तरीके से, नदियों पर बांध बना दो, जंगल काट डालो, ऊपर आकाश है वहां भी अपना झंडा फहरा दो, पूरे ब्रह्मांड की दिग्विजय कर डालो। ये पुरुष मन है। और दावा क्या है कि हम समझते हैं, इसी कारण तो जीत रहे हैं। तुम समझते ही होते तो तुम्हें जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ती। दावा यह है कि हमने तरक्की की है, हमारा विज्ञान आगे बढ़ा है, इसीलिए तो हम प्रकृति के राजा बने बैठे हैं। तुमने यदि वास्तव में तरक्की की होती, तुमने प्रकृति को यदि वास्तव में समझा होता, तो सर्वप्रथम तुमने अपने मन को समझा होता, क्योंकि प्रकृति वही है। तुमने यदि अपने मन को समझा होता तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती वो सब करने की जो तुमने कर डाला है। नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष को जीतना है, इतना ही जानता है वो, जीतूं। पुरुष नारी का पूत, पूत शब्द इशारा कर रहा है ममता की ओर,
मम भाव की ओर, जहां पुरुष नारी को जीतना चाहता है हर समय, वहीं नारी पुरुष से ममता रखती है। मम भाव यानी मेरा, मेरा है। और इस भाव में भी कोई चेतना नहीं है, उधर भी रसायन कुलबुला रहे हैं, इधर भी रसायन। नारी के लिए ममता ही सब कुछ है, उसके लिए बस दो रंग हैं दुनिया में, मेरा और मेरा नहीं। और जो मेरा है उसके ऊपर हमेशा तलवार लटक रही है कि वो मेरा नहीं बन जाएगा। ऐसा है स्त्री का मन। पुरुष का मन शांत इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि बहुत कुछ जीतने को बाकी है। स्त्री का मन शांत नहीं रह सकता क्योंकि बहुत कुछ खोने को बाकी है। कभी भी खो सकता है, मेरा बच्चा है, कभी भी खो सकता है। और याद रखिएगा, ममता का अर्थ सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, स्त्री को अपने प्रेमी से भी ममता ही है। वो ममता में ही जीती है, मम भाव में ही जीती है, मेरा। यही कारण है कि विवाह के कुछ सालों बाद पतियों का आम कथन होता है कि ये मुझे बच्चे की तरह व्यवहार करती है। कि दो तो इसके बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और तीसरा बच्चा मैं हूं। जैसे उन दोनों से व्यवहार करती है वैसे ही मुझसे करती है। वो और कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उसे और कुछ आता ही नहीं है, ममता के अलावा वो और कुछ जानती ही नहीं है। अब निश्चित सी बात है कि ऐसे संबंध में प्रेम की कहां कोई गुंजाइश है, जहां पदार्थ पदार्थ को देख रहा है, जहां प्रकृति का रिश्ता प्रकृति से है, वहां प्रेम कैसा। ऐसी प्रेमहीन दुनिया में अवधूत नहीं रहना चाहता। उसको स्वीकार ही नहीं है। और याद रखिएगा, यहाँ पे जब स्त्री और पुरुष की बात हो रही है तो यहाँ व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। स्त्री और पुरुष प्रत्येक व्यक्ति के भीतर हैं, उसका लिंग कुछ भी हो। अवधूत कह रहा है कि मन के दो हिस्से, और दोनों ही हिस्से मूर्ख, दोनों ही हिस्से अचेतन। एक हिस्सा जो कहता है मिला नहीं पाना है, और दूसरा हिस्सा जो कहता है पा तो लिया है, कहीं खो ना जाए। अवधूत कहता है इस मानस में रहना ही नहीं। वो इस मन का त्याग कर देता है। छाण चला अवधूत, अवधूत को ये मन स्वीकार नहीं, वो इसी को छोड़ रहा है। छाण चला अवधूत, अवधूत वहां बसता है जहां बोध का प्रकाश है, और जहां बोध का प्रकाश है मात्र वहीं प्रेम हो सकता है।
प्रेम पदार्थ से पदार्थ का मिलन नहीं है, प्रेम देह से देह का मिलन नहीं हो सकता। प्रेम है अपने अंतस से गहरी एकात्मकता। यदि प्रेम पदार्थ से पदार्थ का मिलन नहीं है तो वो दूसरे पदार्थ पर निर्भर भी नहीं हो सकता। गहरी भ्रांति है हमारी कि प्रेम के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक देह चाहिए, अर्थात पदार्थ चाहिए। जो विक्षिप्त मन है, जिसकी दौड़ कहीं रुक नहीं रही, जो वियोगी मन है, उसी मन का अपने एकमात्र प्रेमी के पास लौट जाना ही असली प्रेम है। कौन है उसका प्रेमी? जो उसके घर में, उसके स्रोत में निवास करता है, वो जिसके पास पहुंच करके उसे चैन मिलता है, वही है उसका प्रेमी। प्रेम मन की आंतरिक अवस्था है, पदार्थगत अनुभूति प्रेम नहीं हो सकती। अवधूत मूर्खता को त्याग कर चेतना के घर में निवास करता है। छाणी चला अवधूत, अवधूत वही जिसने छोड़ दिया। अवधूत धूल, धुआं, कोहरा, जो इससे मुक्त हो गया, जो जान ही गया, सो अवधूत। और स्त्री पुरुष की बात यहां इसलिए की है क्योंकि ये पूरा जगत मूलतः इसी खेल पर चल रहा है, स्त्री और पुरुष। हमारी हर इच्छा जगत इच्छाओं का खेल है, इच्छाएं ही हैं जो जगत का संपूर्ण व्यापार चला रही हैं, और हमारी हर इच्छा मूलतः काम है। काम, काम वासना और मृत्यु का डर दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों एक ही हैं जो अलग अलग रूप में अभिव्यक्ति पाते हैं। पुरुष में गहरी काम वासना होती है, उसे पाना है, उसे जीतना है, उसे और चाहिए, और वो फैलने की ही कोशिश में है। उसका शरीर भी इसी रूप में गढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को फैलाए। एक पुरुष हजारों बच्चे पैदा कर सकता है, एक स्त्री नहीं कर सकती। पुरुष को फैलना है, पुरुष की मूल वृत्ति होगी काम की। स्त्री को फैलने से बहुत अर्थ नहीं है, बहुत प्रयोजन नहीं है। उसे तो जो मिल गया है उसे ही सुरक्षित रखना है। स्त्री का गहरे से गहरा डर होगा ममता न छिन जाए, मृत्यु न हो जाए।
जो मिला ही हुआ है कहीं खो न जाए। इन्हीं दोनों डरों के आपसी खेल से ये संसार चल रहा है। ऐसे संसार में सुख कहाँ हो सकता है जो डर से डर के मिलन पर आधारित है। हमारे घर ही खड़े हैं डर की बुनियाद पर। दूल्हे से दुल्हन नहीं मिलता, विवाह हो रहा है उसमें दूल्हे से दुल्हन नहीं मिल रही, एक डर से दूसरा डर मिल रहा है, एक अपूर्णता से दूसरी अपूर्णता मिल रही है, इस झूठी उम्मीद में कि अपूर्णता से अपूर्णता का मिलन पूर्ण कर देगा। और इससे ज्यादा हास्यास्पद उम्मीद हो नहीं सकती कि भिखारी के भिखारी से मिलने से अरबपति पैदा हो जाएगा। तुम भी भिखारी कटोरा लेके खड़े हो कि कोई प्रेम दे दे, कि हम बड़ा सूना सूना अनुभव करते हैं। हम भी भिखारी कि कोई हमारा आंचल भर दे, जिंदगी बेरंग जा रही है, और उम्मीद कि दो भिखारी मिलेंगे तो अरबपति पैदा हो जाएगा। कैसे अपूर्ण से अपूर्ण का मिलन पूर्ण कैसे पैदा कर देगा? अवधूत को यह दुनिया पागलपन दिखाई दे रही है, वो नहीं रहेगा इसमें, छाण चला अवधूत। याद रखो वो त्यागी वगैरह नहीं है, वो सिर्फ होश में है। वो कह रहा है क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है, और उसको गहरी श्रद्धा है कि इस बेवकूफी से अन्य भी जीवन है, कि जीवन इसी मूर्खता में कुढ़ते और गलते रहने का नाम नहीं है, कि कुछ और भी हो सकता है जीवन। उसे अच्छे से पता है, उसे दिखाई दे रहा है। जिसको प्रकाश दिखाई ही दे रहा हो, जिसे प्रमाण मिल ही गया हो प्रकाश के होने का, वो अंधेरों में रहना क्यों स्वीकार करेगा? छाण चला अवधूत। यही सन्यास है, मूर्खता से मुक्ति ही सन्यास है। इसके अतिरिक्त सन्यास की और कोई परिभाषा नहीं है। हम बेवकूफियों में नहीं पड़ते, इसी का नाम सन्यास है। कि हमने हाथ में तपता हुआ कोयला पकड़ रखा था, हमने छोड़ दिया, इसी का नाम सन्यास है। कि हम मूर्खता को गले नहीं लगाएंगे, कि हम बीमारी को घर नहीं बुलाएंगे, इसी का नाम सन्यास है। छाण चला अवधूत, यही है आपका सन्यासी।